Hello students, welcome to the class on editorial decode, editorial class in Hindi. तो आज का जो editorial है, तो आज के editorial का जो नाम है वो है The Hidden Agenda of Benevolence. अब पहले तो हम ये जानेंगे कि ये editorial लिखा किस तरह गया है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि ये editorial को किस तरीके से लिखा गया है, तो हम चीजों को समझ नहीं पाएंगे. कुछ एडिटोरियल लिखे जाते हैं एक्सप्लेन करने, एक्सप्लेनेशन होती है सिंपल चीज की कि लाइक डीमोनेटाइजेशन क्या है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है. तो ये जो एडिटोरियल है ये जटिल अन्वेषण के तौर पे लिखा गया है. तो जटिल अन्वेषण का क्या मीनिंग होता है? जटिल अन्वेषण का मतलब क्रिटिकल एनालिसिस करके लिखा गया है. तो जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, सार्वभौमिक बुनियादी आमदन है, उसके क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या उसके नेगेटिव्स हैं इस कंसेप्ट के, और इसकी क्या जरूरत है, और कौन इस कंसेप्ट को, इस अन्वेषण को कौन आगे लेके आना चाहता है, कौन से इसके प्रचारक हैं, कौन इसको प्रमोट कर रहा है. तो आज का ये जो एडिटोरियल है ये सार्वभौमिक बुनियादी आमदन के ऊपर है. पहले तो हम ये समझ लें कि ये होता क्या है सार्वभौमिक बुनियादी आमदन. सार्वभौमिक बुनियादी आमदन का ये मतलब है कि हर किसी को एक बुनियादी आमदन मिलनी चाहिए, और ये आमदन कौन दे? ये सरकार दे. ये सरकार क्यों दे? अब ये प्रश्न उठता है कि सरकार सबको बुनियादी आमदन क्यों लागू कराए? सबके पास एक बुनियादी आमदन क्यों होनी चाहिए? सबके पास इसलिए आमदन होनी चाहिए क्योंकि ताकि लोग सिर्फ बुनियादी जरूरतों के कारण किसी जॉब में या कोई एम्प्लॉयमेंट ना ले. क्यों एम्प्लॉयमेंट क्यों लेता है आदमी? एक आदमी जॉब क्यों ज्वाइन करता है? जो गरीब है वो इसलिए करता है क्योंकि उसकी बुनियादी जरूरतें ही पूरी नहीं होती. बट ये जो प्रचारक हैं सार्वभौमिक बुनियादी आमदन के, ये चाहते हैं कि इतनी सुरक्षित आमदन, बुनियादी आमदन सुरक्षित सरकारें करा दें ताकि लोग अपना जो उनका अंदर पोटेंशियल है, जो क्षमताएं हैं उनमें, वो उन क्षमताओं को उजागर कर सकें और समाज को ऐसी चीजें दे सकें जो उनके अंदर प्रतिभाशाली कारणों से छिपी हुई हैं. अगर आपके पास बुनियादी इनकम होगी, अगर आपके पास बुनियादी आमदन है, तो आप अपनी प्रतिभा को बहुत सही ढंग से उसको उजागर कर सकते हो. और जो आय असमानता है दुनिया में बढ़ती जा रही है, आय असमानता, इनइक्वालिटी जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा रोक लगेगी. क्योंकि आज हम देखते हैं कि जो गरीब वर्ग है, जो नीचे का 25-30-40% लोग हैं, उनके पास पूरी दुनिया की अगर आय हम कैलकुलेट करें तो उनके पास सिर्फ 1-2% ही उनके पास धन है पूरी दुनिया का. और ये एक बहुत बड़ा विषय है, कंसर्न है, एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है कि जिससे लोगों के बीच में सरकारों के प्रति बहुत आक्रोश बढ़ता जा रहा है. और इस आक्रोश को कैसे रोका जा सकता है? जब आप उनको सार्वभौमिक बुनियादी आमदन का प्रावधान दें. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आज के एडिटोरियल में? जी संपत जी ये कहते हैं कि ये जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, सार्वभौमिक बुनियादी आमदन है, इसके जो प्रचारक हैं ये वो लोग हैं जो पूंजीवाद से अपना नाता रखते हैं. पूंजीवादी मत मींस कैपिटलिस्ट लोग. पूंजीवादी मतलब वो लोग जो एक कॉरपोरेट क्लास है. और ये लोगों के अंदर अभी इतनी चेतना कैसे पैदा होगी, इनकी आत्मा अभी इतनी कैसे जागने लगी कि ये आम लोगों के लिए इतना सोचना इन्होंने शुरू कर दिया, एक गरीब जनता के लिए इन्होंने सोचना शुरू कर दिया. इनकी जो सोच है उसके पीछे कई कारण है,
पहला कारण तो ये है कि दुनिया भर में ये जो पूंजीवाद लोग हैं, ये जो पूंजीवादी आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, इसके खिलाफ बहुत ज्यादा आक्रोश शुरू हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, WTO की रिपोर्ट है, IMF की रिपोर्ट है। इन रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि जो ज्यादातर धन है वो कुछ बहुत जो ताकतवर पूंजीवाद लोग हैं उनके पास है दुनिया का धन। लगभग 50% जो धन है, ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी बताती है, IMF की रिपोर्ट से भी पता चलता है, WTO की भी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट्स आई हैं कि लगभग 50% धन ऊपर वाले 1-2% लोगों के पास है। और अब इन लोगों को ये चिंता सताने लग गई है कहीं सरकारें उनके धन के ऊपर कर ना लगा दें, उनके धन के ऊपर टैक्स ना लगा दें। और इसीलिए इन्होंने सरकारों को यह कहना शुरू कर दिया है कि जो लोगों का बढ़ता आक्रोश है उसको रोकने के लिए, उसको दबाने के लिए सरकारें सार्वभौमिक बुनियादी आमदन सबके ऊपर लागू करें, सबको थोड़े थोड़े पैसे दे दें, ताकि जो उनका आक्रोश है, जो उनकी चिंताएं हैं, जो उनका गुस्सा है, वो उभर के सामने ना आ सके और इस वर्ग को, पूंजीवाद वर्ग को इस चीज का नुकसान ना हो जाए। और सोचने की बात अब ये भी है कि भारत में इस सार्वभौमिक बुनियादी आमदन के अनवरण को लेके इतनी ज्यादा उत्साहता क्यों दिखाई जा रही है, इतना उत्साहित क्यों है लोग, जो सरकारें हैं इतनी ज्यादा उत्साहित क्यों है। हमारी सरकार भी इस अनवरण का काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है, इसका काफी समर्थन किया जा रहा है, तो इसके समर्थन के पीछे क्या कारण है, इसको समझने के लिए हमें इकोनॉमी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सार्वभौमिक बुनियादी आमदन को लागू करना है तो जितने भी हमारे समाज कल्याण कार्यक्रम हैं, उन सारे समाज कल्याण कार्यक्रम को हमें हटाना पड़ेगा, उनको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ये इंप्लीमेंट करना है, इसको लागू करना है UBI को, इसको लागू करने के लिए आपको बहुत पैसा चाहिए होगा, और इसको बंद करने के लिए आपको जितनी भी आप सब्सिडी दे रहे हो, जितनी भी माली मदद सरकार दे रही है फर्टिलाइजर्स में, ऑयल सेक्टर में, फूड में, तो वो सारी बंद करनी पड़ेगी। और ये पूंजीवाद समाज यही चाहता है कि ये जितने भी सेक्टर हैं, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, चाहे वो ऑयल सिक्योरिटी है, चाहे वो फर्टिलाइजर्स के ऊपर माली मदद है, ये सारी माली मदद सरकारें बंद कर दें। सरकारें क्यों बंद करें? सरकारें इसलिए बंद करें क्योंकि जो ट्रेड है, जो हमारा चलता आ रहा दुनिया में ट्रेड है, हम उसमें ये सपोर्ट सिस्टम सही नहीं है व्यापार, क्योंकि अगर आप WTO के रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ते हो, जो व्यापार के रेगुलेशंस हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि माली मदद को खत्म करना, क्योंकि ये जितना पूंजीवाद धारणा है, ये जो पूंजीवाद आइडियोलॉजी है, ये जो पूंजीवाद सिस्टम चला आ रहा है, ये नहीं चाहता कि माली मदद दी जाए, क्योंकि ये मानते हैं कि अगर माली मदद दी जाएगी तो जो खुले तौर पे व्यापार शुरू हुआ है आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, उसको ये काफी ज्यादा दबा सकता है, क्योंकि जब सरकारें किसी भी सेक्टर में सपोर्ट करती हैं तो उस सेक्टर में ओपन कंपटीशन नहीं हो पाता, खुल के जो कॉरपोरेट क्लास है खुल के सामने नहीं आ सकती, खुल के अपना अपनी एफिशिएंसी को नहीं दिखा पाती, उनके प्रॉफिट्स खत्म होते हैं। तो ये जो सार्वभौमिक बुनियादी आमदनी अनवरण कंसेप्ट है, ये जो, तो इसका जिस ढंग से जटिल अन्वेषण किया है जी सांपत जी ने, ये बहुत अच्छा है। ये बताता है कि ये कॉरपोरेट क्लास की छुपी हुई चालाकी है जो ये कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना चाहती है,
और जी संपत जी ये चाहते हैं कि ऑलरेडी जो समाज कल्याण के कार्यक्रम हैं उन्हीं को कंटिन्यू किया जाए, उनको और बेहतर किया जाए, क्योंकि अगर हमने यूनिवर्सल बेसिक इनकम को इंप्लीमेंट करना है तो 11-12% ऑफ जीडीपी का लग जाएगा, हो सकता है 15% भी लग जाए, और ये तो संभव ही नहीं है। अगर हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे पूरे तौर पे यूनिवर्सल सभी को दे देंगे, यूनिवर्सल बुनियादी आमदन, तो देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। यही था आज का एडिटोरियल डीकोड। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये चैनल है ब्रेनी आईएएस, और आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं 8459400000। अगर आपको कोई भी क्वेरी है व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप मुझे। तो यही था आज के दिन के लिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस नाइस डे।